लोग सर पे हेलमेट लगा के चलते हैं, तुम बाइक पे लटका के हेलमेट चल रहे हो। गाड़ी के कागज दिखाओ, अभी अभी उतारा है सर। गाड़ी के कागज दिखाओ। अरे यार इनकी ना दिक्कत बहुत है। ये लो मिठाई के पैसे हैं, अपने बच्चों को खिलाओ मिठाई। सब TL तो चालान काट रहा भाई। फोन लगेगा अंकल को। 5 हेलो 2 नमस्ते अंकल, ये एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, चालान काट रहा है। बात कर ले एक मिनट जरा। तो बात करना, बात करो, SHO हैं, अंकल हैं हमारे। हेलो धर्मवीर बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जाने दो लड़कों को, अपने जानकार हैं। जी सर। रख फोन, चल जी। हमारे भी चाचा विदा है क्या? 500 की बत्ती रखो और जाने दो, वरना कहीं दूसरी मुर्गी हाथ से ना निकल जाए। साला एक ट्रैफिक पुलिस वाले की हमेशा गुगली होती है। हम चालान काटने लगते हैं तो किसी का फूफा मंत्री निकल जाता है, किसी के चाचा विधायक निकलते हैं, तो किसी का अंकल SHO निकल आता है। मतलब नियम कानून का पालन हो या ना हो, हम जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों की तो लगनी लगनी है। मैं नौशाद। बिल्कुल सर। चले सोनू। अरे रुको 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 यार, एक कहानी सुन के जाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं जब छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे ज्योतिषी के पास लेकर गई, और ज्योतिषी ने बताया कि आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। ज्योतिषी की बात बिल्कुल सच निकली, मैं एक ट्रैफिक पुलिस वाला बन गया। अच्छा वैसे ट्रैफिक पुलिस वाला कोई छोटा आदमी तो नहीं होता ना? लेकिन हाँ, तुम जैसे लोगों से बड़ा नहीं होता वो, क्योंकि तुम एक कॉल पे हम जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों की औकात दिखा देते। यार मेरा बेटा ना मेरी नौकरी से बहुत डर, कहता पापा आप दिन भर पॉल्यूशन में रहते हो, अगर आपको लंग कैंसर हो गया तो। मैंने कहा पॉल्यूशन से लंग कैंसर, लेकिन मैं गलत था यार, मुझे लंग कैंसर हो गया, सेकेंड स्टेज। खैर छोड़ो, क्योंकि देश के लिए कुछ करने की खुशी ना मरने का दुख बहुत कम कर देती है। मैं जब मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा, और जब तुम ये बिना हेलमेट लगाए रोड पर निकलोगे और तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। और मिठाई खाने के लिए सरकार मुझे हर महीने पैसे देती है, तुम्हारे इन 500 रुपए से मिठाई खाकर डायबिटीज और ऐड नहीं करनी मुझे अपनी लाइफ में। सर चाय। अरे छोटू चाय। नौशाद।